रीकू के घर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अरे भूखे नंगे भिखारियों, आ गए तुम लोग। हाँ, अब तो फसल की शुरुआत होनी है, क्या चाहिए बताओ। अरे टीकू कुछ नहीं, बस पैसे चाहिए थे खेती करने के लिए। हाँ हाँ, मैं तो समझता ही हूँ चिड़िया। टीकू भैया मुझे भी 10,000 रुपए दे दो। अरे बिल्कुल टुनटुनी, क्यों नहीं। और गुन्नू तुझे भी पैसे चाहिए होंगे। हाँ टीकू मुझे भी पैसे चाहिए, इस जंगल में सब तो हर साल तुझसे ही पैसे लेते हैं और खेती करते हैं, बदले में तू मोटा मुनाफा हमसे चूसता है। अरे वाह, अब तो गुन्नू की जबान खुलने लगी है। गुन्नू जा, तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं टीकू, माफ कर दो, पैसे दे दो वरना हम खेती कैसे करेंगे। ठीक है। अरे चील, जरा मुनीम कौवे को बुलाओ तो। हाँ मालिक, अभी बुला कर लाता हूँ। चील उड़कर चला गया और उसने मुनीम काले कौवे को बुलाया। आ गया मालिक, बोलो किसका क्या हिसाब करना है। अरे मुनीम, साल की शुरुआत हो रही है, इन पंछियों को 10,000 रुपए चाहिए खेती के लिए, सभी को 10,000 दे दो और कागज में अंगूठा लगवा लेना। उसमें तो मैं बहुत आगे हूँ मालिक, मैं लगवा लूँगा, आप जाइए। अरे चील, चलो जरा मुझे दुकान तक छोड़ दो। हाँ मालिक, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। चील टीकू बत्तख को लेकर उड़ जाता है। इधर मुनीम टुनटुनी चिड़िया को बुलाता है। अरे ओ टुनटुन, इधर आ। टुनटुनी नाम है कालू भैया, इसलिए तमीज से नाम लो। अच्छा तमीज सिखाएगी मुझे, पत्ता ही काट दूंगा। अरे नहीं नहीं, 10,000 दे दो मुझे, जैसा मालिक वैसा नौकर, दोनों ही बदतमीज हैं। ये ले 10,000 और लगा दे इधर अंगूठा, अगले महीने से वसूली हो जाएगी चालू, याद रखना तुम लोग। सारे पंछियों को 10,000 रुपए कालू मुनीम दे देता है। पंछी वापस जाकर खेती करना शुरू करते हैं, अपने खेतों में बीज बोते हैं और थोड़े ही दिनों में धीरे धीरे फसल तैयार होने लगती है। टुनटुनी बहुत खुश थी, उसके खेत में फसल बहुत अच्छी हुई थी। इस बार तो मैं सारे कर्जे उतार दूंगी टीकू के, इतनी अच्छी फसल हुई है, बेचूंगी बहुत माल आएगा, और अब मैं टीकू से कर्जा भी नहीं लूंगी। वहीं हरी काकी भी खुश थी। अरे मैंने तो मिर्ची लगाया था, खुद पे कैसे कंट्रोल किया है मुझे ही पता है, वरना मैं तो अपना खेत खुद ही खा जाती, बहुत कंट्रोल किया है मैंने तो। गोलू के खेत से मिर्ची चुराई है और खुद खाई है, अपनी मिर्ची संभाल कर रखा है मैंने। उल्लू की भी फसल अच्छी हुई थी। अरे मेरे मकई के दाने तो लाजवाब हैं, इस बार टीकू का सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। गुन्नू कबूतर भी खुश था। मेरे बैगन बहुत अच्छे हुए हैं, इस बार बहुत माल मिलेगा, भगवान का शुक्रिया, बड़ा अच्छा मौसम रहा, सारी फसलें अच्छी अच्छी हुई है। तभी जंगल में मुनादी होती है। सुनो सुनो जंगल के पंछियों, सुनो, होने वाली है बारिश, मौसम विभाग के पंछियों ने बताया है, अपनी अपनी फसलों को काट लो, 4 दिन का वक्त है, फसल काट कर गोदाम में ले जाओ, हो सकता है बाढ़ भी आए, फसल तबाह हो जाएगी। अरे ये क्या मुसीबत आ गई, वैसे तो फसल तैयार हो चुकी है लेकिन अब हम ले जाएं कहाँ, हमारे घर तो छोटे छोटे हैं, हम तो सोच रहे थे सीधे खेतों से फसल को अनाज मंडी में ले जाएंगे और बेच देंगे, वहाँ से पैसा लेकर घर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है। अरे हाँ टुनटुनी बहन, देखो अब तो हमें फसल ले जाना ही होगा। हाँ गुन्नू भैया कुछ तो करना होगा, चलो टीकू बत्तख के पास चलते हैं, उसके पास कई गोदाम हैं। ले, जिससे हम बचना चाहते हैं उसी के पल्ले पड़ रहे हैं, फिर वो मांगेगा मोटा ब्याज, मोटा पैसा, और हमारे लिए कुछ ना बचेगा। अरे भैया फसल बर्बाद हो जाए बाढ़ में, उससे तो अच्छा है
कम से कम ये फसल से हमारा पुराना कर्जा तो चुक जाएगा और कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही। सारे पंछी पहुंच जाते हैं टीकू के पास। आ गए तुम लोग, बोलो भूखे नंगो क्या चाहिए तुम्हें। टीकू भाई ऐसे मत कह कर, हम भूखे नंगे नहीं है। अच्छा नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अरे भैया छोड़ो इन झगड़ों को, मैं बात करने आई हूँ, हमारी फसल खराब हो जाएगी, क्या तुम अपना गोदाम हमें दोगे। हाँ हाँ मैंने धर्मशाला जो खोल रखा है, आ जाओ और क्या। अरे नहीं भैया, आपको जो पैसे लगेंगे वो हम आपको देंगे, आपका गोदाम भी ऊंचाई पर है और सब कुछ यहाँ पर अच्छा भी है। थोड़े दिनों की बात है, बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर हम आपके गोदाम से अनाज निकाल लेंगे, इसके बदले में आप जो पैसे मांगेंगे वो भी दे देंगे। और देखो भैया हमारे पास वक्त नहीं बचा है, 4 दिन ही है। अच्छा इन पंछियों को अब पानी का डर लग रहा है, मैं तो मनमाने भाव बोलूंगा इन्हें। अच्छा अच्छा ले जाओ गोदाम में रख दो सारे अनाज और मैं बाद में सोचूंगा उसकी क्या कीमत लेनी है। सारे पंछी धीरे धीरे अपने खेतों का अनाज ला ला कर टीकू के गोदाम में भर देते हैं। इधर बारिश शुरू हो जाती है, बारिश थोड़े दिनों बाद रुक जाती है। पंछी टीकू के पास पहुंचते हैं। अरे भैया अब तो बारिश रुक गई है, हमें अपने अनाज दे दो। कौन से अनाज, कैसे अनाज? अरे मैंने बारिश से बचाने के लिए ये अनाज तुम्हें रखने थोड़ी दिया था, मैंने तो जो पैसे दिए थे उसे वसूल लिए हैं और सिर्फ ब्याज वसूला है, मूलधन अभी भी बाकी है। क्यों भाई चील? हाँ मालिक, बोलो तो इन्हें खा जाऊं। अरे नहीं नहीं खाने की जरूरत नहीं है इन्हें। ये अच्छी बात नहीं है टीकू, ये तो तुम सीधे सीधे अन्याय कर रहे हो, हमारी सारी फसल को खा जाओगे तुम, ये बहुत बुरी बात है। हाँ हाँ मेरे सब्जी, अरे मेरा घर चलता है उससे, टीकू ऐसे मत करो। हाँ हाँ टीकू ऐसे मत करो। अरे चुप करो, और मुझे आंसू आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, चले जाओ यहाँ से, मुझसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मैं चील को कहता हूँ इसका दुख कम कर दो, और चील उसे खाकर उसका दुख कम कर देता है। अरे बाप रे, अब क्या करना है? टुनटुनी तेरी वजह से हमने ये गोदाम में इसके रखे थे, तू भरपाई करेगी। अरे ठहरो, तुम लोग ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? देखो भैया हमें हमारा अनाज दे दो, अब मौसम ठीक हो गया है। अरे चील ये ऐसे नहीं मानेंगे। चील ने एक को पकड़ लिया, फिर उसके पकड़ते ही बाकी सारे पंछी भाग गए, बाद में टुनटुनी को भी छोड़ दिया। सारे पंछी आकर अपने अपने घरों में बैठ गए। ये बहुत बुरा हुआ। उसी रात बहुत बारिश होने लगी, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जंगल में बाढ़ आ गया। बाढ़ में पंछियों के घोंसले गिरने लगे, यहाँ तक कि टीकू का गोदाम भी पानी से भर गया। हाय हाय मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अरे मेरी अपनी भी फसल बर्बाद हो गई, मेरे पैसे भी बह गए, सब कुछ बह गया। टीकू पत्तक परिवार के साथ बहता हुआ नजर आया। टुनटुनी एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे पे सवार थी। अरे अरे टीकू आ जाओ वरना तुम मारे जाओगे। अरे टुनटुनी तूने फिर भी मुझे बचाया, मैंने तो इतना जंगल के लोगों के साथ बुरा किया है। तुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है टीकू, वैसे तो अभी समय सबके लिए खराब है, लेकिन हमने पहाड़ी पर गुफा ढूंढ रखा है, हम सारे पंछी वही है, तू भी चल वहाँ। टीकू को बचाकर टुनटुनी गुफा में ले आती है। कुछ दिनों बाद मौसम शांत हो जाता है और सारे पंछी फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं।